हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की 15 ऐसी शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपने लैपटॉप या पीसी पर बिना माउस के भी काम कर सकेंगे और आपकी जो स्पीड होगी वो भी काफी इंप्रूव होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो शॉर्टकट की है वो है स्विफ्ट प्लस डिलीट। दोस्तों, इस शॉर्टकट की हेल्प से हम अपने लैपटॉप या पीसी में से किसी भी आइटम को बिना रिसाइकल बिन में सेव किए डिलीट कर सकते हैं। जिस भी आइटम को हम स्विफ्ट प्लस डिलीट की हेल्प से डिलीट करेंगे वो आइटम रिसाइकल बिन में सेव नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही हमारे लैपटॉप या पीसी में से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी तरीके से हम दूसरी शॉर्टकट की को देख लेते हैं। और दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्विफ्ट। इस शॉर्टकट की हेल्प से हम किसी भी जो हमारा फोल्डर है उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जब हम किसी भी फोल्डर को क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल प्लस स्विफ्ट दबाएंगे तो हम अपनी विंडो की डायरेक्ट स्क्रीन पर उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरीके से हम तीसरी शॉर्टकट की देख लेते हैं, F2। दोस्तों, किसी भी फाइल का नेम चेंज करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। जब हम किसी फाइल को क्लिक करके F2 दबाएंगे तो हम उस फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, यानी उसे रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरीके से हम चौथी शॉर्टकट की देख लेते हैं। और चौथी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। दोस्तों, इस शॉर्टकट की हेल्प से हम हमारे जो लैपटॉप या पीसी में फाइल है उनको हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें अपने लैपटॉप या पीसी में से सब फाइलों को किसी दूसरी फाइल में कॉपी करना है या फिर हमें उन सब फाइलों को डिलीट करना है, तो उन्हें सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए की हेल्प लेंगे। और पांचवी जो शॉर्टकट की है वो है ESC बटन। दोस्तों, ESC बटन की हेल्प से हमने जो अभी टास्क परफॉर्म किया है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। और छठी जो शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस डी। दोस्तों, विंडो प्लस डी ये जो शॉर्टकट की है इसकी हेल्प से हम अपने लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सातवीं शॉर्टकट की है वो है Alt+F4। Alt+F4 इस शॉर्टकट की हेल्प से हम हमारा जो लैपटॉप या पीसी है उसे डायरेक्ट टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो Alt+F4 ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम विदाउट हमारे माउस के हेल्प लिए Alt+F4 डायरेक्ट दबाकर अपने जो हमारा लैपटॉप है उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। और आठवीं जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C। तो दोस्तों, इसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। और नवी शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो दोस्तों, Ctrl+V की हेल्प से हम कॉपी की गई फाइल को डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। और दसवें नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। दोस्तों, Ctrl+Z की हेल्प से हम अभी हाल ही में परफॉर्म किए गए टास्क को अंडू कर सकते हैं। और 11 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+S। दोस्तों, Ctrl+S की हेल्प से हम किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। Ctrl+W। दोस्तों, Ctrl+W की हेल्प से हम हाल ही में परफॉर्म किए गए टास्क को डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 13 नंबर की शॉर्टकट की को देख लेते हैं। और 13 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+O। दोस्तों, Ctrl+O की हेल्प से हम जिस भी फाइल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसे हम ओपन कर सकते हैं। और 14 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+P। दोस्तों, Ctrl+P इसकी हेल्प से हम सिलेक्ट किए हुए आइटम को प्रिंट कर सकते हैं। और जो 15 नंबर की शॉर्टकट की है वो काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसे हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो 15 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Delete। ये तीनों बटन हमें साथ दबाने हैं। तो इनकी हेल्प से जब भी कभी हमारा लैपटॉप या पीसी हैंग हो जाए और उसे हमें मतलब कोई भी बटन उसका काम ना कर रहा हो तो हम Ctrl+Alt+Delete इन तीनों की को एक साथ दबाएंगे तो हम अपने लैपटॉप या फिर पीसी को डायरेक्ट टर्न ऑफ कर सकेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारा लैपटॉप या फिर हमारा पीसी
हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से ना हमारा माउस का कोई बटन काम करता है और ना कीबोर्ड का बटन काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों बटन की हेल्प लेनी चाहिए। जब हम इन तीनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो हमारा जो लैपटॉप या हमारा पीसी है वो डायरेक्ट टर्न ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।